The next piece on trigonometry is complementary angles. ठीक है, अब हम देखते हैं complementary angle क्या होता है. ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर दो angle ऐसे हो जिनका sum 90 हो तो वो angle जो होते हैं उनको हम complementary angle कहते हैं. हमें पता है एक triangle में सारे angles का sum जो होता है वो 180 होता है, और हमें ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल जो है वो हमेशा 90 होगा ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने बताया था कि उसी ट्राइंगल में लगेगी जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. राइट, तो अब 90 को उधर ले जाओ, बचा x प्लस वाई 180 माइनस 90, तो 90 हो गया. इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो दो एंगल बचे हैं ट्राइंगल के उनका सम इज 90. तो जैसे यहां पे मैंने देखा ये एक एंगल ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये 90 है. अब अगर मैं इसको x कहूं इसको y कहूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा इन दो एंगल्स का सम होगा वो 90 है. इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट आता है. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है वो एक बार समझो. देखो इसमें ट्राइंगल में मैंने बोला, या चलो एक बार इसको रब कर देते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी. अब इसमें मैंने बोला भाई ये एंगल तो एक्स है, ठीक है, मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या आ जाएगा. ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स. राइट, ये तो सबको क्लियर है 90 माइनस एक्स हो जाएगा. अब अपन ये मार्क कर लेते हैं जो ए बी है, चलो छोड़ो. साइन एक्स बताओ क्या होगा. हमने अभी पिछली टर्म्स में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, हर ट्रिग्नोमेट्री का जो वो है साइन कॉस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं. और ये रिजल्ट क्या देते हैं, साइन ऑफ एंगल एक्स इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ हाइपोटेन्यूस है AC. और अब मुझे ये वाला एंगल तो हमने निकाल लिया साइन एक्स, इसके लिए निकाल लिया. अब मुझे इधर के लिए बताओ, अगर इधर मैं बोलूं कि चलो कॉस ऑफ, यहाँ एंगल क्या है 90 माइनस एक्स है, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. इस एंगल के लिए बेस ये साइड है. राइट, बेस वो साइड होती है जिस पे एंगल बनता है विद हाइपोटेन्यूस. सो इस वाले एंगल के लिए, ए एंगल के लिए विच इज 90 माइनस एक्स, बेस क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगी ए सी. राइट, अब फ्रॉम इक्वेशन वन और टू देखो, इक्वेशन वन और टू को देखो और देखो दोनों ही ए बी बाय ए सी आ रहे हैं. राइट, दोनों ही ए बी बाय ए सी है. दैट मीन्स आई कैन सेफली से कि साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स. ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. इसमें कहने का मतलब बस ये है कि जब भी साइन ऑफ एक्स आएगा उसको हम कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स भी कह सकते हैं. अब अगर एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊं जो तुम लोग पिछली बार पढ़े भी हुए, साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/2. और मैं साइन 30 को मैं cos 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ. अभी तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि sin x तो सर cos of 90 माइनस x होगा, तो मैं cos of 90 माइनस 30 लिख देता हूँ. cos of 90 माइनस 30 क्या हो गया, cos 60, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2. तो आप देखो sin 30 हमने पढ़ा था और cos 60 पढ़ा था, दोनों की वैल्यू 1/2 पढ़ी थी हमने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसीलिए वो इक्वल थे. राइट, एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज बताता हूँ, इसमें और सारे फॉर्मूले लिखता हूँ. अब देखो इसके, अब इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा, इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट. तो पहली चीज तो है जो साइन एक्स होगा उसको हम कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, जो अभी हम समझ क्या है. अब ऐसे ही सब रेशियोज में लगेगा, जैसे मेरा जो कॉस एक्स हो जाएगा वो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा. अब आगे चलते हैं, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ sec x का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो होता है वो हो जाता है cosec के साथ, और ऐसे ही cosec का हो जाएगा sec के साथ. फिर tan का होता है cot के साथ, और ऐसे ही cot का हो जाएगा tan के साथ. ठीक है, ये तो फॉर्मूले हो गए. अब देखो क्वेश्चन, जब भी अगर सीधा सीधा 30, 60, 90, 45, 0 एंगल की बात करे तो हमें टी रेशियो स्पेसिफिक एंगल वाले सीधी सीधी वैल्यू रखनी होती है. बट अगर कभी भी क्वेश्चन में आड़े तिरछे एंगल आने लग जाए, 43, 57, 63, 90,
89, something like that. In that case, you have to necessarily apply complementary angle, nahi to question ho hi nahi sakta. For example, question kis type ka aayega, jaise mano question mein diya hua, cos of 53 upon sine of 37. जब भी ऐसे आड़े तिरछे एंगल दिखें तो हमेशा याद रखना इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है और एक को ही करना है तभी वो आपस में कैंसिल आउट होता है. अगर दोनों को कर दोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा. फॉर एग्जांपल इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos 57 और नीचे मान लो मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ. साइन एक्स क्या होता है, cos 90 माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस 37, राइट. साइन एक्स क्या होता है, कॉस 90 माइनस एक्स, तो मैं साइन 37 को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 37, राइट. ये एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूँ 37. अब ये सॉरी ऊपर 53 है, राइट. अब ये क्या हो जाएगा, इस ऊपर तो कॉस 53 ही रहेगा, नीचे cos 90 माइनस 37 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 37 53 देगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos of 53, ये कट जाएगा, इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा. अब इसी से एसोसिएटेड और क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रखा है लेट्स से cot of 34 माइनस tan of 56, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो. फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें दे रखा है लेट्स से tan 28 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, इसकी फर्स्ट का जीरो है, दिखानी है 1. देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, cot 43 को मैं लिख सकता हूं tan of 90 माइनस 34 माइनस tan of 56, ये सीधा सीधा tan of 56 ही बन जाएगा, माइनस tan of 56 ये कट के हो गया जीरो. दूसरे केस में क्या है, tan 28, देखो यहां दिख जाएगा ये और ये एंगल का सम 90 है, तो इनमें से एक को चेंज करना है और उसके बाद जो बाकी दो एंगल है उनका सम 90 है, तो उनमें से एक को चेंज करना है. ये 48 है, तो अब इसमें देखो ये 48 है, इसका और इसका 90 है, तो इसमें से एक चेंज करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ cot of 90 माइनस 48 और इसको लिख देता हूँ cot of 90 माइनस 23. बाकी ये दोनों टर्म ऐसे लिख दो, tan 42 और tan 67. अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं इसके बाद का चीज कर देते हैं. अब जैसे अब मेरा cot यहाँ पे आ जाएगा cot 42, फिर आ जाएगा cot of 67, tan 42 और tan 67. अब cot क्या होता है, 1 by tan, तो actually tan 42 और cot 42 cancel हो जाएगा, ये और ये cancel हो जाएगा, answer क्या बचेगा, 1. तो that's how we can do this question. अब जैसे next question है, उसमें दिया हुआ है tan 1 into tan 2 into tan 3 into ये tan और end में multiply में 89 है, उसकी value equal to 1 prove करना है. तो अब करके बताओ ये वाला question. अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे tan 1 को तुम लिख सकते हो cot of 90 माइनस 1, tan 2 को लिख लोगे cot of 90 माइनस 2, राइट. ऐसे ही चलता जाएगा, एंड में आएगा, बीच में आएगा tan 45, फिर आगे चलता जाएगा एंड में आ जाएगा tan 88 और tan 89. अब देखो ये क्या हो गया, cot of 89 cot of 88, 1 into tan 88, tan of 89, ये सब आपस में सारे टर्म्स कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1, सिंपल है. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, उस वो वाला थोड़ा अच्छा लेते हैं. अब क्वेश्चन अगर हम मानो क्वेश्चन में दिया है 2 टाइम्स साइन
square 63 plus 1 plus 2 sine square 27 ठीक है अपॉन नीचे है 3 cos square 17 minus 2 plus 3 cos square 73 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे पहले लेट्स से ये 2 वाला और ये 2 वाला देख लो किसका सम 90 है 63 और 27 का सम 90 है इनको क्लब कर लो इसको लिख लो 2 sin square 63 एक्चुअली में cos square 27 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री लगा के राइट और यहां पे आ जाएगा sin square 27 ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं तुम लोग ये निकाल के देख लेना कैसे 27 cos में बदल गया ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा नीचे इसको मैं बदल दूंगा sin square 73 और यहां पे cos square 73 minus 2 अब ऊपर क्या आ गया ये cos square theta plus sin square theta 1 होता है अब theta इस केस में 27 है तो कोई बात नहीं cos square 27 plus sin square 27 भी 1 हो जाएगा ऊपर आया 2 plus 1 नीचे आया 3 minus 2 तो आंसर आ गया 3 अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट आई विल एक्सपेक्ट क्वेश्चन टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 1 मार्कर में तो पक्का ही आएगा tan 2a दिया हुआ है cot of a minus 21 ठीक है tan 2a दिया हुआ है cot a minus 21 find value of a one marker में expect this क्योंकि trigonometry में generally 4 marker question तो identity से ही आएगा one marker जरूर इस वाले form से पक्का आएगा so try it out दोनों में इसको मैं कर भी देता हूँ दोनों में क्या करना है एक ही term में ले आओ फिर अंदर के angle equate कर सकते हो अभी क्या एक तरफ tan 7 है क्या सर आंसर नहीं अभी क्या करोगे tan को तुम लिख सकते हो cot of 90 minus 2 है 37 है क्या 37 आंसर 37 है अब इसको मैंने cos of 90 minus 2 है लिख दिया और इधर लिख दिया cot of a minus 21 अब दोनों साइड cot आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं जो अंदर के एंगल हैं उनको इक्वेट कर सकता हूं अब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 111 is equal to 3a तो a क्या आ जाएगा 111 by 3 which is 37 ये मेरा आंसर आ गया ठीक है अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है वो काफी अच्छा लगता है मुझे वो भी आने के बहुत चांसेस हैं एटलीस्ट स्कूल टेस्ट में तो पक्का ही आएगा क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शो दैट हमें प्रूव करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय टू ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं हमें पता है अगर ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल से निकले हैं तो मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री ठीक है अब b plus c एक तरफ रख लो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें b plus c चाहिए तो मैं कह सकता हूँ b plus c जो है वो एक्चुअली में 180 minus a होगा अब b plus c में नीचे 2 भी चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो तो क्या हो गया b plus c by 2 जो निकल के आया उसकी वैल्यू है 90 minus a by 2 अब साइन चाहिए अब दोनों तरफ साइन ले लो तो मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ b plus c by 2 is equal to sine of 90 minus a by 2 और sine of 90 minus a by 2 क्या होता है cos a by 2 तो hence proved ठीक है अब हम सबसे significant topic of trigonometry पे आते हैं which is trigonometric identities trigonometric identities में देखो कुछ चीजें हमारी लगती हैं जो formula मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर मैं कुछ tricks बताऊंगा जो आप याद रखना So no matter how difficult the question is, you will always find the answer. That is for sure. ठीक है? फिर मैं एक ऐसी भी trick बताऊंगा कि अगर मानो question ही ना आता हो, still you can score full marks if you go by that trick. अब पहले तो हम formula देख लेते हैं. Trigonometric identities में actually पहले तीन identities आती हैं. पहली identity है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. फिर 1 plus cot square theta
is equal to cosec square theta, or last is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटी को ना इंटरचेंजेबली भी काफी बार यूज कर लिया जाता है. सो वी शुड नो ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द आइडेंटिटी. हर आइडेंटिटी के 3 वेरिएंट निकल के आएंगे. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा. राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है. अगर मैं साइन स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और अगर कॉस को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है. ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो मैं कह सकता हूं 1 जो है उसको मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं. राइट, और मैं tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं. राइट, और दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है विच इज 1 प्लस cot, तो उसमें मैं लिख सकता हूं 1 जो है वो होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि सर cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये सारे ही वेरिएंट एक बार लिखो, फिर और कुछ फॉर्मूले मैं वो भी लिखाता हूँ. अब इसके अलावा जो कुछ चीजें हमारी लगनी है वो हमें काफी सिंपल है, पहले भी हम देख चुके हैं. कॉट थीटा जो होता है वो 1 बाय टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, वो अपने को पता है. ठीक है, दूसरी बात सेक थीटा जो होता है वो 1 बाय कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखते हैं. ये एक बार फटाफट नोट कर लो. ये सब पहले पढ़ रखे हैं टी रेशियो वगैरह में, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ देम आर इन वन प्लेस वी आर राइटिंग इट अगेन, एंड देन वी विल सी हाउ टू यूटिलाइज these things in various questions. उसके लिए मैं एक दो आपको पहले ट्रिक और मेथड बताऊंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग इट इन आवर क्वेश्चंस. अब ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज में जब भी क्वेश्चन आएगा देर आर 3 रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. ठीक है, रूल नंबर 1 है कि अगर तो डिग्री 2 है, इफ डिग्री 2 अप्लाई आइडेंटिटी, मतलब अगर पावर में दिखे टेन स्क्वायर दिखे sec स्क्वायर दिखे cot स्क्वायर दिखे sin स्क्वायर दिखे, तो हमें कहीं ना कहीं एक बार पहले दिमाग में लाना पड़ेगा कि कहीं आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वी हैव टू नो इफ देर इज अ डिग्री 2, देर आर चांसेस, हाई चांसेस ऑफ identity application being there. In that case, we will apply the identity. मैंने 6 मतलब 3 identities और उनके बाकी सब parts भी आपको लिखा दिए, तो quickly आपको click हो जाएगा. So first rule is that, ठीक है. Second rule is if degree is 1, convert everything to sine and cos. साइन एंड कॉस में इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको करने से ना बहुत क्वेश्चन इजी आ जाता है. काफी क्वेश्चन हम साइन कॉस में करेंगे, सो हम हैबिचुअल हो जाते हैं साइन कॉस देखने के. सो अगर मानो डिग्री नहीं है और क्वेश्चन है sec x plus cosec x minus cot x, तो उनको देख के कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि हम पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें और फिर ट्राई करें सॉल्व करने का. ठीक है, और थर्ड रूल है ऑलवेज and always look at RHS. After every step, you have to look at RHS and see what is required of the question. कई बार हम ये mistake करते हैं, हम question को धड़ाधड़ solve करते चले जाते हैं, ये देखते ही नहीं निकालना क्या है. और trigonometry में specifically जो question boards में आएगा उसमें
कुछ ऐसी ट्रिक एंड में लगेगी जब कि हमें RHS को देख के ही हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चन को. सो वी हैव टू कीप लुकिंग एट RHS आफ्टर एवरी स्टेप. ठीक है, और बाय चांस आप अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन आपका RHS के जितना नहीं निकल पाया, इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज यू विल सॉल्व बोथ LHS एंड RHS. आप LHS सॉल्व करोगे, एक एंड रिजल्ट तक आओगे. अगर लेट्स से वो RHS के इक्वल नहीं हो पा रहा, सो आप RHS भी सॉल्व कर दोगे. और अगर RHS और LHS बाद में इक्वल आ जाएंगे, देन ऑल्सो यू कैन से कि योर क्वेश्चन इज सॉल्व एंड यू विल गेट द मार्क्स. बट Having said that, I will always recommend कि पहले आप LHS से RHS निकालो. अगर by chance फंस जाओ, नहीं आ पा रहा, worst come scenario में आप RHS को भी खोलना और उससे आंसर निकालना. ठीक है, now ये तीन रूल लिख लिए हमने और these are the three rules which can take you through any identity का question. अब कुछ questions देख लेते हैं identity के. For example, जैसे एकदम ही एक simple question देखते हैं. 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1. ये प्रूव करना है, तो हम LHS से चलेंगे, राइट? अब देखो, हमें डिग्री 2 है, रूल 1 अप्लाई हो रहा है. अरे सर ने बताया था कि अगर डिग्री 2 है तो रूल 1 होगा. रूल 1 है तो मतलब कि कोई आइडेंटिटी लग रही होगी. सबसे पहले देखो, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे वो तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो 1 अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये भी हमने अभी लिखा भी हुआ है. इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, फिर तुरंत याद आया, अरे सेक तो 1 बाय कॉस होता है, और सेक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ये कट गया, इक्वल टू 1 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS. निकल आया आंसर. एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे साइन ए, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसको मैं साइन स्क्वायर ए लिखता हूं. ठीक है, ये कभी भी साइन ए स्क्वायर नहीं होता. साइन ए का होल स्क्वायर को ही हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखते हैं. ठीक है, ये जरूर याद रखना.